सबसे पहले दीपिका बताए तबीयत कैसी है? आप सबकी ब्लेसिंग से बहुत बेटर है। अच्छा, आप रियल लाइफ में भी पुलिस का रोल कर रही हैं जी, और ये आज रियल लाइफ में भी पुलिस को फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बहुत इमोशनल हूँ, और मतलब यहाँ आना मेरे लिए दीपिका बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली यहाँ आना, यहाँ मतलब बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल मैं अपने आप को एक एक्ट्रेस मानती हूँ, बट इतने बड़े इवेंट में जो लोग हमारे मतलब हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, उनके बीच यहाँ आना, फेलिसिटेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली। और इनसे ही इंस्पायर होकर मैं अपना कैरेक्टर निभा पाती हूँ हर रोज़। मैं जो संध्या में इमोशंस दे पाती हूँ, वो इनसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनके काम से। मुझे कभी भी, मुंबई शहर से मैं नहीं हूँ, बट कभी यहाँ मुझे अनसेफ नहीं लगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम, टू स्टार प्लस, दिया और बाती हाँ, कि पहली बात तो मुझे कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखिए, मैंने सच में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देकर मैं IPS ऑफिसर नहीं बन रही हूँ। सो बट हाँ, MBA मैंने ज़रूर किया है, और संध्या कैरेक्टर ने खुद से ही मुझे खुद पता चलता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए, जब हम खुद इवेंट्स पर जाते हैं, कि कितनी हाउसवाइफ्स जो हैं उन्होंने सोचा है अपने करियर में कुछ बनना, इनफैक्ट IPS ऑफिसर मतलब पुलिस की सर्विस को ज्वाइन करना। तो वही सुनकर मुझे बहुत बड़ी बात लगती है, और मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को, शशि मैम और सुमित सर को, जिन्होंने सोचा कि मैं ये कैरेक्टर निभा पाऊँगी। मुझे अपनी ऑनेस्टी पे प्राइड है बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और अपने काम की इज्जत करती हूँ। देखिए, मेरे हाथ देखिए एकदम रेड हो रहे हैं, मैं एक्शन सीन करके आई हूँ, कपड़ों के पूरा दाग जो है मेरे बॉडी पे आ गया था। सो मुझे लगा हाफ एन आवर, आई थिंक वन आवर लगा मुझे, बट स्टिल वो स्टेन्स मैं नहीं मिटा पाई हूँ। सो बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, और इस तरह के अवार्ड फंक्शन में आई हूँ जो मुझे इंस्पायर कर रहा है। मानसून है, दीपिका किस तरह मुंबई की मानसून इंजॉय कर रही है? मेरे आज सारा सीन रेनी मतलब मानसून के अंदर ही किया है, बारिश में किया है, इसी वजह से ज़्यादा रंग लग गया। तो आज ही मुझे मतलब मौका मिला बारिश को फेस करने का, और उसमें शूटिंग करने का, तो बहुत फन किया, बहुत मज़ा किया, और बहुत अच्छा सीन भी हुआ। तो थैंकफुल टू गॉड और मेरी पॉजिटिविटी, मेरे यूनिट की पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से अच्छा सब कुछ हुआ। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं संध्या का किरदार निभाऊंगी। तो बॉलीवुड में कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं प्रेजेंट को जीती हूँ और पास्ट को भूल जाती हूँ। दीपिका, जाते जाते बस ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ये इवेंट उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिन्हें आप जानती हैं लेकिन पहचानती नहीं है? मेरी लाइफ में ऐसा, मैं अपने देश के पुलिस ऑफिसर्स को जानती तो हूँ मगर शायद पहचानती नहीं हूँ। अभी तो बस नहीं कह रही वन थिंग, ऑब्वियसली मनी। थैंक यू।